बेड पर स्टेमिना टिकने के लिए खाएं ये घरेलू चीजें, इसके बारे में मैं आज बातचीत करने वाला हूँ। एकदम आसान तरीका है और उससे आपको बहुत फायदा होगा, खर्चा करने की ज़्यादा जरूरत नहीं है और कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। तो आइए, मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर, मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्त तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में पिछले 41 साल से अकोला में प्रैक्टिस कर रहा हूँ। बहुत लोगों को साइड इफेक्ट्स होते हैं, इसलिए एलोपैथी की दवाई चलती नहीं है। हार्ट प्रॉब्लम है या फिर ब्लड प्रेशर का ज़्यादा प्रॉब्लम है, आँखों का प्रॉब्लम होता है, इसलिए वो दवाई लेना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों को लगता है कि दवाई लेंगे तो एडिक्ट हो जाएंगे। तभी बताने वाला हूँ एकदम सादा और बहुत ही कारगर उपचार जो आप कर सकते हैं और आपकी डेफिनेटली सेक्स पावर बढ़ेगी, स्टेमिना बढ़ेगा और स्पर्म काउंट जो है मतलब पुरुष बीज, उनकी ताकत बढ़ेगी, उनकी संख्या बढ़ेगी, उनके हलचल जो होते हैं मोटिलिटी वो बढ़ेंगे, उनका शेप अच्छा हो जाएगा। क्या होता है कि एक कप, स्टडीज ऐसी बताती है स्टडीज कि एक कप लहसुन यदि है, एक कप हमने चाय का कप जो है लहसुन लिया, एक कप लहसुन में आपको मिलेगा 42.4 मिलीग्राम विटामिन सी, 1.7 मिलीग्राम विटामिन B6 और 19.3 माइक्रोग्राम सेलेनियम। और ये तीनों भी चीज़ें स्पर्म के प्रोडक्शन के लिए, मोटिलिटी के लिए, मॉर्फोलॉजी के लिए बहुत ही जरूरी है। आपका स्टेमिना भी टिकेगा और जल्दी निकलने का प्रॉब्लम भी सॉल्व हो सकता है। तो फिर कैसा खाना लहसुन? लहसुन बहुत बार हम भून के खा सकते हैं, मतलब फ्राई करना, लहसुन फ्राई, कच्ची लहसुन फ्राई करना है। 10-12 पंख लिया, आप खाना खाने के समय ऐसी उसका जो कवर रहता है उसको, उससे निकाल के उसको प्रेस किया तो अंदर की लहसुन बाहर आ जाती है, और चबाना फ्राई किया तो नमक के साथ में बहुत ही बढ़िया टेस्ट आती है। तो आप लहसुन फ्राई ले सकते हैं, लहसुन नान, लहसुन रोटी, लहसुन अचार, लहसुन और जीरा राइस, ये सब खाने में लहसुन आप ले सकते हैं। सब्जियों में लहसुन डाल सकते हैं। मगर क्या होता है कि कच्ची लहसुन यदि आप खाते हैं तो मुंह को बास आती है, और खाना ऐसा खा के यदि आप पत्नी के पास में जाएंगे तो बोलेंगे यार आपके मुंह को बहुत बास आ रहा है। तो यदि लहसुन खाने में लेते हैं तो उसके बाद में डेफिनेटली आपको मतलब मुंह ठीक करने के लिए, मुंह का बास निकालने के लिए फिर आपको मुख शुद्धि का कुछ ना कुछ लेना पड़ेगा, जैसे विलायची है या ब्रश करते हैं बाद में, या ऐसी कोई चीज़ है कि जिससे आपको लहसुन का बास नहीं आएगा। तो यह है लहसुन। और दूसरा है बहुत ही पावरफुल कारगर है, वो है आंवला। आंवला ये मतलब सुपर पावर है विटामिन सी की, विटामिन सी आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो आंवला आप रोज एक खाते हैं, रोज एक आंवला, तो आपको बहुत ही ज़्यादा फायदा स्पर्मेटोजेनेसिस, स्टेमिना और शीघ्र पतन के लिए मिलेगा फायदा। तो आंवला कैसा खा सकते हैं? एक आंवला रोज कच्चा खा सकते हैं आप। आंवले का अचार आता है, आंवले का जाम आता है, जेली और जाम आंवले का आता है, आंवले के पेपरमिंट आते हैं, तो आप वो खा सकते हैं। ये घरेलू उपचार है लहसुन और आंवला। 10-12 पंगलियाँ लहसुन की या सब्जी में या राइस में या रोटी में, जैसे भी है सब्जी में 10-12 पंगलियाँ आपकी जाती है रोज, और आंवला एक रोज लेते हैं, और ऐसा कम से कम 3 महीने आप लेते हैं तो आपको इसका बहुत फायदा हो जाएगा। ये घरेलू उपचार है, ना कोई साइड इफेक्ट है, ना कोई प्रॉब्लम है। तो डेफिनेटली ये करो और आपकी कॉमेंट्स हमें बताइए। आपको अच्छा लगा तो लोगों को शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।